जेन फ्रेंड जॉब सर्च ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक डिफेंस की नई रिक्रूटमेंट जो कि आर्मी ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट रहने वाली है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल छेल हिमाचल प्रदेश की आपकी ये रिक्रूटमेंट रहेगी। इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में, स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल छेल आपका हिमाचल प्रदेश में ये रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमानेंट आपकी रिक्रूटमेंट है। इसमें पहले भी 2021 में बड़ी रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई थी जिसमें काफ़ी कैंडिडेट ने सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद में आप देख दोबारा से रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई है जिसमें आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम पर सभी डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने होंगे। जो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट साथ में लगाकर कंप्लीट आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। इसमें आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसके साथ में जो भी ईमेल आईडी या जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो ज़रूर आपको मेंशन करना है। इसके बिना आपका इसमें एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है वो लगभग यही है कि आपका ईमेल आईडी पर या आपको ईमेल के माध्यम से ही सेंड किया जाएगा। इसमें आपकी वैकेंसीज रहने वाली है टेलर की, जो कि जनरल की कैंडिडेट की वैकेंसीज है। 18 से 27 साल तक के जो भी कैंडिडेट हैं सभी इसमें अप्लाई कर सकेंगे और किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों सभी अप्लाई एलिजिबल रहेंगे। मेट्रिकुलेशन और साथ में ही आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास रखते हैं टेलर से, तो वो कैंडिडेट आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो भी टेलर से संबंधित आपको ड्यूटी आपको आनी चाहिए, उसमें करनी आनी चाहिए, उसमें स्किल टेस्ट आपका करवाया जाएगा, तो उस टाइम में आपको बिल्कुल करवा के आपकी जो भी कटिंग वगैरह है सिलाई से संबंधित और जो भी आपकी सिलाई है वो कंप्लीट आपकी देखी जाएगी। स्किल टेस्ट आपका महत्वपूर्ण रहता है, स्किल टेस्ट के नंबर भी इसमें रखे जाते हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं सिलाई आपको बिल्कुल आनी चाहिए और 10वीं पास ओनली आप होने चाहिए। एक साल का सर्टिफिकेट कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्कूल से बनवा सकते हैं या किसी भी संस्था से आप बनवा सकते हैं और टेलर का सर्टिफिकेट लगाकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करने के लिए 30 दिन का टाइमिंग आपको दिया गया है, तो अगले 2 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं 2 अक्टूबर तक इस फॉर्म का अप्लाई करके, ऑफलाइन फॉर्म आपका रहने वाला है और इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल हिमाचल प्रदेश के नाम पर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट ओनली भेज सकते हैं। ईमेल जो भी आपका दिया गया है ऑर्डिनरी पोस्ट आप नहीं भेज सकते, न कि ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ओनली आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट ही सभी डॉक्यूमेंट लगाकर आपको भेजना होगा। अभी आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूं कि जो कि हमारी वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट है वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, पूरी जानकारी वहाँ पर अपलोड की जाएगी। जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज नंबर जो भी होगा वो भी आपको, डेट भी आपकी वहाँ पर मैंसन कर दी जाएगी। वेबसाइट के लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, way2dobsearch.com नाम है उसका, जिसका आराम से आप लिंक के नीचे दिया गया है वहाँ से खोल के देख सकते हैं। इवनिंग में आपको अपलोड कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म का जो पोस्ट का नाम आपको टेलर लिखना है, यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज EN आपको लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको जल्दी ही हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। डेट आपको 2 सितंबर आपको लिख देनी है, एड्रेस आपका लिखा हुआ है इसी एड्रेस पर आपको सेंड करना है। यहाँ पर आप फोटो आएगी जो कि सेल्फ अटेस्टेड आपको करनी है। फुल नेम आपको ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है, उसके बाद में खुद का फादर्स का नेम यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा वो यहाँ पे लिखना है। एज आपकी है, जो भी आपके लास्ट डेट जो होगी उसके अनुसार आपको एज यहाँ पे लिखनी है। आधार कार्ड नंबर होगा, उसके बाद में जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो अक्स सर्विस मैन है या क्या है वो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर कोई आपकी फिजिकल हैंडीकैप वगैरह कुछ है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। नेशनलिटी क्या है वो आपको लिखनी है, रिलीजन आपका क्या है, एड्रेस आपका फुल पिन कोड के साथ यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और आपका टोटल आपका ईमेल आईडी जो भी है यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद में डिटेल्स आपकी कोई भी एकेडमिक और आपके टेक्निकल जो भी हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद में आपका जो भी है यहाँ पे एक्सपीरियंस यदि कोई है रखते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एक्सपीरियंस आपका 1 साल का मांगा गया है, तो 100% आपको एक्सपीरियंस साथ में लगाना है। उसके बाद में आपका, इसके बाद में गवर्नमेंट सर्वेंट है यदि आप यहाँ पर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में सिग्नेचर यहाँ पे करना है, यहाँ पे डेट लगानी है। इसमें आपका पोस्टल ऑर्डर जो आपका लगाना है, जो कि 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर रहेगा जो, या DD लगा सकते हैं, उसमें आपका नंबर रहेगा, यहाँ पे डेट आपकी रहेगी, 100 रुपये का इसमें लगाना है। और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको साथ में लगानी है और जो अटेस्टेड कॉपी है वो सभी आपको गिनकर, मतलब कितनी गिनती आपकी करी हुई है उसमें, जैसे 3 या 4 आप लगानी है तो 2 या 3 आप यहाँ पे लिख देंगे या थंब इम्प्रेशन आपका आ जाएगा।
इसके नीचे जो आपका दिया गया है ये आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, तो ये आपका डिक्लेरेशन भरने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो आपके अदर की वैकेंसीज हैं, तो सभी कैंडिडेट अदर से ही आपको अप्लाई करना है। और जो भी सर्टिफिकेट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। कोई भी सर्टिफिकेट चाहे आप साफ्ट में भेजते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही आपको अप्लाई करना है। सभी कैंडिडेट ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके जैसे कि मैंने बताया टेलर की वैकेंसीज में बहुत कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, और 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन है तो और ज़रूर अप्लाई करें। और ये सर्टिफिकेट फॉर्म आपका हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर या हमारी वेबसाइट पर इवनिंग तक आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, देख पाएंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से अपडेट नहीं हो पाई, लेकिन आपको शाम को इवनिंग में आपको अपडेट कर दी जाएगी, वहाँ से देख पाएंगे पूरी कंप्लीट वहाँ पे नोटिफिकेशन, और साथ में ये जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड वहाँ से कर पाएंगे, देख पाएंगे। जो भी कैंडिडेट हैं इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। इससे पहले भी आपकी बड़ी भर्ती इसमें आउट हो गई थी, वो इसी प्रकार से आपका दोबारा से एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा, सेम आपका 150 नंबर का पेपर रहेगा। सभी आपकी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करी हुई है, तो वहाँ से आप जाके जानकारी ले सकते हैं।